अरे तेलुगु में बोल दो। अरे स्पीक इन तेलुगु। बाबा इन द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण देयर इज अ फ्लूट इन राधाज हैंड बट नॉट इन लक्ष्मीज हैंड व्हाट इज इट्स अनलिमिटेड मीनिंग। राधा बच्चा है या लक्ष्मी बच्चा है? Is Radha a child or is Lakshmi a child? Radha is a child. और बचपन की जिंदगी इनकी कहाँ है? And where is their childhood life? इनकी बचपन की जिंदगी संगम में है या संगम के बाद? Is their childhood life in the confluence age or out of the confluence age? है? संगम की यादगार है। It is a memorial of the confluence age. तो संगम में क्या मम्मा के हाथ में मुरली नहीं है? वो मुरली नहीं चलाती थी? In the confluence age, isn't there murli in the hand of mamma? Didn't she narrate the murli? चलाती थी ना? बाबा तो कहते तुम बच्चे भी मुरली चला सकते हो। She narrated, didn't she? Baba says, you children can also narrate the murli. बाकी संगम युग में उनके माँ बाप का भी पार्ट है या नहीं है? As for the rest, do their parents also have a part in the confluence age or not? वो है लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। They are Lakshmi Narayan, the ones who become like Lakshmi from a woman and Narayan from a man. तो जब वो लक्ष्मी नारायण नर से नारायण बन जाते हैं नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। When those लक्ष्मी नारायण become नारायण from a man and लक्ष्मी from a woman, तो उन्हें मुरली चलाने की दरकार है या दृष्टि पड़ने से ही परिवर्तन हो जाता है? है? Do they need to narrate murli or does transformation take place just through their vision? दृष्टि मात्र से ही परिवर्तन हो जाता है, उन्हें बोलने की भी दरकार नहीं, इसलिए लक्ष्मी के हाथ में मुरली नहीं दिखाई है। Transformation takes place just through their vision. They don't even need to speak. This is why a murli is not shown in the hands of Lakshmi. और कब कहा जाता है? When is it said to be the golden confluence age? Is it after the revelation of the 16,108? Mana? जब नई दुनिया की स्थापना होगी तो उस समय शुरुआत में ही 16,108 होंगे। It means when the new world is established, will there be the 16,108 in the very beginning? नहीं, थोड़े होंगे, थोड़े होंगे। No, will there be few souls? There will be few souls. तो जो थोड़े होंगे, उनका स्वर्णिम युग नहीं कहेंगे। So, won't it be said to be the golden age for the few souls that will be present? जब संख्या ज्यादा बढ़ती है दुनिया की तब दुनिया बिगड़ती है। Does the world degrade when there is more rise in the population of the world? या संख्या कम होती है तब दुनिया बिगड़ती है। Or does the world degrade when there is less population? When there is more population. तो ऐसे स्वर्ण संगम युग की बात है। It is a similar case with the golden confluence age. जितनी कम आत्माएं उतनी परसेंटेज में ज्यादा श्रेष्ठता।
द फ्यूअर द सोल्स द मोर एलिवेटेड दे आर टू दैट एक्सटेंट। जब 4.5 लाख आत्माएं स्वर्णिम संगम युग में हो जाएंगी, When there will be 450,000 souls in the golden confluence age, तो वो आत्माएं जो बीज रूप होंगी नई दुनिया के स्वर्णिम संगम युग में, Then the seed form souls in the golden confluence age of the new world, वो नीचे वाले धर्मों के बीज उसमें ऐड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? Will the seeds of the lowly religions be added to them or not? है? जो नीचे वाले धर्म हैं, कमजोर धर्म हैं, बाद में आने वाले धर्म हैं, उनकी भी बीज रूप आत्मा ऐड हो जाएंगी। The seed souls of the lowly religions, the weak religions, the religions that come later will also be added. तो पहले पहले स्वर्णिम सच्चा या बाद में स्वर्णिम सच्चा? So, is it the real golden confluence age in the beginning or is it the real golden confluence age later? पहले पहले सच्चा कहेंगे। It will be said to be real in the beginning. शुरुआत में ही स्वर्णिम है। It is golden only in the beginning. और हाँ जी, लक्ष्मी नारायण के श्रृंगार के लिए बताया जाता है कि इनका श्रृंगार दिव्य गुणों की यादगार है। फॉर द डेकोरेशन ऑफ लक्ष्मी नारायण इट इज सेड दैट द डेकोरेशन इज अ मेमोरियल ऑफ डिवाइन वर्च्यूज। तो आंखों में जो काजल है, कमर में करधनी है, पाँव में पायल है, सो द कोलेरियम इन द आईज, वेस्ट बैंड ऑन द वेस्ट, एंकलेट्स ऑन द फीट, हाथों में अंगूठी और नाक में नथनी, ये इनके कौन से गुणों की यादगार है? रिंग्स इन द हैंड एंड नोज रिंग इन द नोज आर अ मेमोरियल ऑफ विच वर्च्यूज। नाथ किसको डाली जाती है? बैल को नाथ डाली जाती है ना? Who is made to wear a nose ring? An ox is made to wear a nose ring, isn't it? क्यों डाली जाती है? Why is it made to wear it? है? कि बैल पहले कंट्रोल में नहीं होता है। It is because a bull is not under control initially. Bull means especially one set at liberty as an act of piety. And allowed to wander about at will. तो कंट्रोल में फुल लाने के लिए नाथ डाली जाती। So in order to bring it under full control, it is made to wear the nose ring. ऐसे ही कलयुग में जो स्त्रियां हैं, वो ज्यादातर स्त्रियां पत्नियां पति के कंट्रोल में रहती हैं या उखड़ उखड़ के चलती हैं ज्यादातर। Similarly, do majority of women, wives, in the Iron Age, stay under the control of their husband, or do most of them go out of tune? है? Divorce, divorce ज़्यादा देती हैं, दूसरे दूसरे खसम ज़्यादा कर लेती हैं, या कम करती हैं? Do they divorce many times? Do they have more husbands, or do they have less husbands? है? दृष्टिवृत्ति चंचल होती है या नहीं होती है? होती है। Do the vision and vibrations become inconstant or not? They become. तो नथनिया किस बात की यादगार है? So, the nose ring is a memorial of what? है? कंट्रोल में करने की यादगार है। मुरली में बोला है, अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। ये मुरली में ही बोल दिया। It is a memorial of bringing someone under control. It is said in the Murli, you should keep your wife under your control. This was said in the Murlis itself. ये कंट्रोल में रखने की यादगार है नथनिया।
द नोज रिंग इज अ मेमोरियल ऑफ कीपिंग समवन अंडर कंट्रोल। जो आज भी भक्ति मार्ग में माताएं पहनती हैं कि नहीं? द मदर्स वेयर इट इवन टुडे इन द पाथ ऑफ भक्ति। डू दे वेयर इट और नॉट? पुरुष को आज नहीं पहनते। दे वेयर इट। व्हाई डोंट मेन वेयर इट? है पुरुष दूसरी तीसरी शादी नहीं करते क्या? डोंट मेन मैरी ट्वाइस और थ्राइस? है मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं? है आर दे मर्यादा पुरुषोत्तम मीनिंग हाईएस्ट अमंग ऑल सोल्स इन फॉलोइंग द कोड ऑफ कॉन्डक्ट? करते तो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं होते तो उनको भी तो थनिया डालो। क्यों नहीं डालते? दे सर्टनली मैरी ट्वाइस थ्राइस दे आर नॉट मर्यादा पुरुषोत्तम सो दे शुड ऑल्सो बी मेड टू वेयर अ नोज रिंग। व्हाई डोंट दे वेयर इट? क्योंकि मुरली ने बोल दिया पुरुष तो सब होते ही है दुर्योधन दुशासन। इट इज बिकॉज इट इज सेड इन द मुरलीज दैट मेन आर एनीवेज दुर्योधन दुशासन मीनिंग विलेनस कैरेक्टर्स इन द एपिक महाभारत। क्या उनको नथनिया भी डाल लेंगे सरेंडर करके भी रख लेंगे तो भी उखड़ जाएंगे? वॉट इवन इफ यू मेक देम वेयर द नोज रिंग इवन इफ यू सरेंडर देम दे विल रन अवे फ्रॉम देयर। उनकी दुर्योधन तो शासन वृत्ति खत्म होने वाली नहीं तो उनको डालना बेकार है। देयर एटीट्यूड ऑफ बीइंग दुर्योधन दुशासन इज नॉट गोइंग टू एंड सो इट इज फ्यूटल टू मेक देम वेयर नोज रिंग। अंगूठी। देन इट इज आस्क्ड अबाउट द रिंग। कितनी अंगुलियां हैं? सिर्फ पांच हैं। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? फाइव। आर दे जस्ट फाइव? दस अंगुलियां हैं। देयर आर 10 फिंगर्स। उसमें भी दाएं हाथ की उंगलियां अच्छा काम करती हैं या बाएं हाथ की उंगलियां ज्यादा अच्छा काम करती हैं? इवन अमंग देम डू द फिंगर्स ऑन द राइट हैंड डू गुड वर्क और डू द फिंगर्स ऑन द लेफ्ट हैंड डू गुड वर्क? राइट हैंड की उंगलियां अच्छा काम करती हैं। द फिंगर्स ऑन द राइट हैंड डू गुड वर्क। और वो भी नंबर वार करती हैं कि एक जैसा काम करती है? एंड डू दे डू गुड वर्क एट डिफरेंट लेवल्स और डू दे वर्क अलाइक? नंबर वार काम करती है तो जरूर 10 उंगलियों में कोई उंगलियां नंबर वार ज्यादा काम करने वाली है कोई कम काम करने वाली है। दे वर्क एट डिफरेंट लेवल्स सो सर्टेनली अमंग द 10 फिंगर्स सम फिंगर्स डू मोर वर्क एंड सम डू लेस वर्क। उनमें से जो 10वीं उंगली है लेफ्ट हैंड की वो उतना काम की नहीं है। अमंग देम द 10th फिंगर ऑन द लेफ्ट हैंड डजंट वर्क मच। रह गई 9। 9 फिंगर्स रिमेन। तो जो 9 उंगलियां हैं वो 9 रत्नों की यादगार हैं। सो द 9 फिंगर्स आर अ मेमोरियल ऑफ द 9 जेम्स। रत्न कितने होते हैं? देयर आर हाउ मेनी जेम्स? 9 रत्न होते हैं। 9। देयर आर 9 जेम्स। उंगलियों में वो रत्न पहने जाते हैं। दोस जेम्स आर वोन ऑन द फिंगर्स फर्स्ट। क्या नवरत्न की अंगूठी भी पहनते हैं? What? People also wear a ring of 9 gems. अंगूठी पहनने का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of wearing ring? हैं? अंगूठी पहनने का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of wearing ring? हैं? धारण करने। हाँ। To assimilate. Yes. जो 9 रत्न हैं उन रत्न 9 रत्नों के गुणों को धारण करना। टू असिमिलेट द वर्चूज ऑफ द 9 जेम्स। उनमें सबसे अच्छा रत्न कौन सा होता है? हीरा। विच इज द बेस्ट जेम अमंग देम? द डायमंड। हीरा माने हीरो पार्टधारी। व्हाट डज डायमंड मीन? द हीरो एक्टर। तो जो हीरो पार्टधारी है उसके गुणों को याद करना धारण करना ये अंगूठी पहनना। टू रिमेम्बर टू असिमिलेट द वर्चूज ऑफ द हीरो एक्टर इज वेयरिंग द रिंग। फिर नंबर बार और भी रत्न है माणिक मूंगा पन्ना वगैरह वगैरह।
Then there are other gems with different values like ruby, coral, emerald, etc. तो ये गुणों की खान दिखाई गई है जो उंगलियों में धारण करते हैं. So this is a treasury of virtues which is shown which people wear on the fingers. पायल. Then it is asked about anklets. पायल क्या करती है? What do anklets produce? है? आवाज करती है? They produce sound. पायल मोरी बाजे ननद मोरी जागे. Meaning, my anklets jingle and my sister-in-law wakes up. ऐसे ऐसे गीत बनाए हैं ना? They have made such songs, haven't they? तो पायल बजती है. Those anklets jingle. वो बताती है कि ये राइट करने जा रहे हैं, रंग करने जा रहे हैं. They tell us whether the one who is wearing it is going to do something right or something wrong. चाल जब चलते हैं ना, तब बजती है या खड़े-खड़े बजती है? Do they make sound when we walk or do they make sound if we are just standing? पायल जब चाल चलते हैं तब बजती है या खड़े खड़े हैं तो बजती है? चाल चलते हैं तब चाल चलते हैं. Do the anklets make sound when we walk or does it make sound when we are just standing? When we walk, it makes sound. When we walk. तो ये जीवन में ऐसी ऐसी चाल चलते हैं. वो पायल बताती है ये कैसी चाल चलते हैं. So, the way they act in their life, the anklets tell us about the way they, meaning the ones who wear it, act. बजती है, बज करके चाल का पता लग जाता है. It makes sound. We come to know about their gait when they make sound. Dance करती है, कि धीरे-धीरे बजती है, कि ताल से बजती है, सब बताती है. They tell us about whether someone is dancing, is it making soft sound or is it making sound in rhythm. It tells us everything. तो पायल यादगार है चाल की. So, the anklets are a memorial of the gait. करधनी. Then it is asked about waistband, meaning करधनी. है? जितने भी श्रृंगार करने के गहने होते हैं, उन गहनों में सबसे भारी और मजबूत कौन सा गहना होता है? Among all the ornaments with which you decorate yourself, which ornament is the heaviest and the strongest? है? अरे, करधनी ही तो होती है. अरे, it is definitely the waistband. करधनी से क्या करते हैं? What do you do with a waistband? है? अरे करधनी से क्या करते हैं? कमर को बांधते हैं. अरे, what do you do with a waistband? You tie your waist with it. बांधने का मतलब क्या है? What is meant by tying? है? अरे बांधने का मतलब क्या है? Control करना. अरे, what is meant by tying? To control. बांधना माने? Control करना. To tie means to control. तो स्वर्ग लाने का काम कन्याएं माताएं करेंगी या भाई लोग करेंगे? So, will the virgins and mothers do the work of bringing heaven or will the brothers do it? तो कन्याओं को कमर में करधनी बांधनी है, कंट्रोल करनी है, या भाई लोग करेंगे? Virgins and mothers. So, should the virgins wear the waistband on their waist? Should they control or will the brothers do it? कौन करेंगे? कन्याएं माताएं करेंगे. Who will do it? The virgins and mothers will do it. कुछ समझ में भी आ रहा है? आ रहा है? To the brothers. Did you understand anything? Did you understand? नहीं आ रहा है. आ रहा है. चलो ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं. Did you not understand? Students must have said something. Yes, all right.
There is no need to explain much. और है करदनी कमर में. The waistband is on the waist. हाँ और आँखों में काजल. Then it is asked about collyrium in the eyes. काजल जो है देखने में कैसा? How does collyrium look? काला होता है. Black. It is black. और आंखें भी कैसी? And how are the eyes? है? आंखों में क्या दिखाई पड़ता है? What do you see in the eyes? अरे काली पुतली विशेष दिखाई पड़ती है कि सफेद पुतली की तरफ नजर जाता जाती है. अरे इज द ब्लैक प्यूपिल पर्टिकुलरली नोटिसेबल और इज अवर अटेंशन ड्रॉन टुवर्ड्स द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आईबॉल मोर. काली की ओर नजर जाती है. अवर अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स द ब्लैक प्यूपिल. जो सारा शरीर है उस शरीर में सबसे जास्ती आकर्षण वाला अंग कौन सा है? In the whole body, which part of the body is the most attractive? है? आँखें. It is the eyes. और सबसे धोखा देने वाला अंग? वो भी आँखें. And which part of the body deceives the most? It is the eyes again. नारायण की आँखों में काजल है? अरे देख लो ध्यान से. है? Is there collyrium in the eyes of Narayan? अरे observe carefully. है कि नहीं है? नहीं है. ये क्या चक्कर? Is it or not? It isn't. It isn't. What is this? है? नारायण की आंख में काजल क्यों नहीं? Why isn't there collyrium in Narayan's eyes? है? बाबा ने मुरली में बोला है 10-20-50 भूले तो रोज ही करते होंगे. बाबा है सेड इन द मुरली यू सर्टेनली विल कमिट 10-20-50 मिस्टेक्स डेली. क्या? व्हाट? आँखों की भूले होती हैं या नहीं होती हैं? आर मिस्टेक्स कमिटेड थ्रू द आईज और नॉट? नहीं होती हैं. Aren't they committed? आँखें बेबिचारी बनती हैं या नहीं बनती हैं? Do the eyes become adulterous or not? सीता रावण की जेल में थी. रावण सामने आता था. सीता क्या करती थी? सीता was in the jail of Ravan. Ravan came in front of her. What did she do? है? पीठ दिखाई देती थी. She turned her back to him. रावण से आंख भी नहीं मिलाती थी. She did not even exchange vision with Ravan. तो ये माता को ये कन्याओं को क्यों दिखाई जाती है काजल? So, why are only mothers and virgins shown to apply collyrium? है? कहते भी है एक फिकरा भी है काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए एक लीक काजल की लागी है पे लागी है. It is also said, there is a saying. No matter how intelligent a person who enters a room full of soot is, a speck of soot will adhere to him for sure. क्या? What? पूरा कमरा काजल से भरा हुआ है सूखा सूखा काजल. Suppose there is a room full of soot, dry soot. कमरे में दो दरवाजे हैं. And there are two doors in that room. एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे में कोई जाएगा तो काजल की कुछ छींट लगेगी या नहीं लगेगी? If someone enters through one door and goes out through the other, will a speck of soot adhere to him or not? है? जरूर लगेगी. It will adhere to him for sure. तो बताया है कि पुरुषार्थी जीवन में इस आँख को काली माँ से बचाना है. So it is said that in the Purusharthi life, meaning life of spiritual effort, you should save the eyes from blackness. नारायण नहीं बचा पाएगा.
नारायण मीनिंग शंकर इन हिज पुरुषार्थी लाइफ विल नॉट बी एबल टू सेव देम। तो दिखाया है कि आंख में काजल भी है, पुरुषार्थी जीवन की बात है या संपन्न जीवन की बात है। सो इट इज शोन दैट देयर इज कोलेरियम इन द आईज। इज इट अबाउट द पुरुषार्थी लाइफ और द कंप्लीट लाइफ? पुरुषार्थी जीवन की बात है। इट इज अबाउट द पुरुषार्थी लाइफ। सतयुग में तो काजल वाजल और ये गहने वगैरह पहनने की दरकार पड़ेगी नहीं? Will there be any need for the deities to apply collyrium, wear ornaments, etc. in the golden age? No. और लक्ष्मी काल का देन कुंटुंडे बोलो भाई, इधर आके बैठो। कि क्या कहती है माता? దేవతలు అందరూ సమానంగా కూర్చోని ఉంటారు। अरे इधर आके बैठो माता, थोड़ी जगह दे दो इधर। हाँ क्या कह रही है माता? हाँ बोलो जोर से। देवतलु अंदरू समानंगा प्रिय पुत्रीरालु गजमंदु उन्नारु, लक्ष्मी देवी काड़काड़ इंटु कूर्चोनुंदी, विष्णु काड़काड़ा। सभी देवताएं बाजू में बैठते हैं आसपास। हाँ लेकिन लक्ष्मी तो नारायण के पास क्यों बैठती है? क्यों बैठती है? स्टूडेंट सेड समथिंग। जनरली देवीज दैट इज फीमेल डेटीज आर शोन टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू द देवतास दैट इज मेल डेटीज, बट व्हाई इज लक्ष्मी शोन टू बी सिटिंग नियर द फीट ऑफ नारायण? क्योंकि दिखाया गया है कि स्त्री जीवन जो है, पुरुष जब स्त्री को धारण करता है, स्त्री को स्त्री बनाता है, तो स्त्री रचना है या रचयिता है? इट इज बिकॉज इट हैज बीन शोन दैट द लाइफ ऑफ अ वुमन, व्हेन अ मैन मैरीज अ वुमन, व्हेन ही मेक्स अ वुमन इनटू अ वुमन, इज द वुमन अ क्रिएशन और द क्रिएटर? है? रचना है तो रचना को रचयिता का सदैव रिगार्ड करना चाहिए या डिसरिगार्ड करना चाहिए? शी इज द क्रिएशन, सो शुड द क्रिएशन ऑलवेज गिव रिगार्ड टू द क्रिएटर और शुड शी डिसरिगार्ड हिम? है? रिगार्ड करना चाहिए। क्यों? शी शुड रिगार्ड हिम। व्हाई? क्योंकि और बच्चे तो पैदा होंगे बाद में, वो भी रचना होंगे। इट इज बिकॉज द चिल्ड्रन विल बी बॉर्न लेटर, दे विल ऑल्सो बी क्रिएशन। लेकिन सबसे पहली रचना कौन है? बट विच इज द फर्स्ट क्रिएशन? स्त्री, द वाइफ। तो वो सैंपल दिखाया है। सो दैट सैंपल हैज बीन शोन। पुरुषों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है नारायण विष्णु। नारायण विष्णु इज द मोस्ट एलिवेटेड वन अमंग मेन। और विष्णु के परिवार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पहली रचना है लक्ष्मी। एंड इन द फैमिली ऑफ विष्णु द मोस्ट एलिवेटेड एंड फर्स्ट क्रिएशन इज लक्ष्मी। तो जो पहली रचना लक्ष्मी अगर नारायण के कंट्रोल में है, सो इफ द फर्स्ट क्रिएशन लक्ष्मी इज अंडर कंट्रोल ऑफ नारायण, अंडर द रिगार्ड है, तो सारा ही विष्णु लोक नारायण का रिगार्ड रखेगा या डिसरिगार्ड करेगा? इफ शी गिव्स रिगार्ड टू हिम विल द एंटायर विष्णु लोक मीनिंग अबोड ऑफ विष्णु गिव रिगार्ड टू नारायण और विल इट डिसरिगार्ड हिम? रिगार्ड करेगा। इट विल गिव हिम रिगार्ड।
तो ये इस बात की यादगार दिखाई है चित्रों में, शास्त्रों में। सो दिस हैज बीन शोन एज अ मेमोरियल इन द पिक्चर्स स्क्रिप्चर्स। बाकी जो पांव दबाते हैं लक्ष्मी के द्वारा पांव दबाते हुए दिखाया है। एज फार एज प्रेसिंग द लेग्स इज कंसर्न्ड, लक्ष्मी इज शोन प्रेसिंग द लेग्स ऑफ नारायण। ये पांव कोई स्थूल पांव की बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल लेग्स। ये संगम युग में नारायण वाली आत्मा, द सोल ऑफ नारायण इन द कॉन्फ्लुएंस एज, सारा संसार असुर है या देवता है? इज द एंटायर वर्ल्ड डिमोनिक और डिवाइन? इंसान है सारा संसार या हैवान है? आर द पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग्स और बीस्ट्स? सारा संसार रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय है? रावण संप्रदाय है। डज द एंटायर वर्ल्ड बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ रावण और डज इट बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ राम? इट बिलोंग्स टू द कम्युनिटी ऑफ रावण। तो जो नारायण है अभी आया मुरली में, 100 बगुलों के बीच में एक हंस। सो नारायण इज लाइक इट वॉज सेड नाउ इन द मुरली, वंस वन अमिड 100 हेरॉन्स। तो बगुले चाऊ चाऊ करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे? विल दोज हेरॉन्स कीप मेकिंग नॉइज और नॉट? है, चलो सहन शक्ति की बात है, सहन शक्ति की पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो सहन तो कर लेगा। They will. All right. It is about the power of tolerance. He has reached the zenith of the power of tolerance, the zenith of knowledge. So he will certainly tolerate them. लेकिन सहन करना भी। But as regards tolerating them as well. संसार में बगुलों की संख्या बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? Is the number of herons increasing or is it decreasing in the world? तो सहन करने का मादा भी बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? It is increasing. So, will the capacity to tolerate also increase or decrease? है? घटता जाएगा। It will go on decreasing. तो मनसा है, बुद्धि है, जब बगुले चौं चौं करते हैं तो कुछ समय के लिए दुखी तो होती है बुद्धि। When the herons make noise, the mind, the intellect certainly becomes sorrowful for some time. मन बुद्धि में असर पड़ता है कि नहीं? Does it affect the mind and intellect or not? है? बाकी ज्ञान के फोर्स से उसको कंट्रोल कर लिया जाए वो बात अलग। It does. As for the rest, it is another topic if you control it through the force of knowledge. तो सारे संसार में कोई भी ऐसा सहयोग नहीं देता। No one gives him such support in the entire world. जैसा सहयोग कौन देती है? लक्ष्मी देती है। Such support, who gives it? Lakshmi gives such support. यही पांव दबाना है, बुद्धि रूपी पांव की दबाने की बात है। This itself is pressing the legs. It is about pressing the leg-like intellect. बुद्धि को सहज शक्ति देने की बात है। It is about giving natural power to the intellect. बाकी तो सब दुख देने वाले हैं। All the others give sorrow. और परिसर ये प्रकृति में, सरस्वती प्रकृति पर्यावरण सर, पर्यावरण में, पर्यावरण हाँ, इसमें घास, गाय घास खाता है, गाय कुछ और प्राणी खाके और प्राणी को दूसरा प्राणी खाके बैलेंस करके है प्रकृति में। सत्ययुग में कैसा ये बैलेंस रहेगा? इकोलॉजिकल बैलेंस। बाबा माई क्वेश्चन इज अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस। इन नेचर काउ ईट्स ग्रास,
Some other animal eats cow. In this way, a balance is maintained in nature. How will this balance be maintained in the golden age? गाय घास खाती है और गाय को दूसरा प्राणी खाता है, शेर खाता है। Cow eats grass and a tiger eats the cow. हाँ। और ऐसे घास को ये भी खरगोश भी खाता है, खरगोश को कुछ दूसरा प्राणी भी खाके दूसरा प्राणी खाता है। A rabbit also eats grass and some other animal eats the rabbit. Some other animal eats it. खाता है माने एक दूसरे को कंट्रोल में ले लेते हैं। They eat. It means they take one another under their control. एक दूसरे के ऊपर अत्याचार होता है। They torment each other. ये दुख की दुनिया में ये रस्म होती है या सुख की दुनिया में रस्म होती है? Is there this tradition in the world of sorrow or in the world of happiness? वहाँ कोई प्राणी किसी को दुख नहीं देगा। In the world of sorrow, there no animal will give sorrow to other animals. हिंसक प्राणी वहाँ होंगे नहीं। There will not be violent animals there. मनुष्य हिंसक होगा? Will human beings be violent? जब मनुष्य ही हिंसक नहीं रहेगा, तो सब सुखदायी प्राणी होंगे। When the human beings themselves won't be violent, all creatures will be joy-giving. कोई दुखदायी प्राणी नहीं होगा। There won't be any sorrow-giving animal. मनुष्य जब हिंसक बनते हैं, तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी हिंसक बन जाते हैं। When human beings become violent, animals, birds, insects and spiders also become violent. हिंसक मनुष्यों की संख्या बढ़ती है, तो दुखदायी प्राणियों की भी संख्या संसार में बढ़ जाती है। When the number of violent human beings increases, the number of sorrow-giving creatures also increases in the world. इस तरह balance ही balance रहेगा। हाँ। In this way, there will be only balance there. बाबा राजा हरिश्चंद्र और संगी शास्त्री का जो कहानियाँ हैं, वो सिर्फ कहानियाँ हैं, लेकिन वो सच्चाई है। बाबा, इज द स्टोरी ऑफ किंग हरिश्चंद्र एंड सती सावित्री जस्ट स्टोरी और इज इट ट्रूथ? इट इज द ट्रूथ। शास्त्रों में जो भी कथा कहानियां हैं, कहाँ की यादगार हैं? ऑल द स्टोरीज इन द स्क्रिप्चर्स आर अ मेमोरियल ऑफ विच प्लेस? संगमयुग की यादगार। दे आर अ मेमोरियल ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज। सत्य राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं। They narrate the story of Satya Raja Harishchandra, meaning true king Harishchandra, a king in the Indian mythology, famous for his truthfulness. कहाँ का राजा है? He was a king of which place? अरे राजाई कहाँ करता था? अरे where did he rule? है? कहते हैं अयोध्या का राजा था। It is said that he was a king of Ayodhya. कहाँ का? अयोध्या। इस दुनिया में तो युद्ध ही युद्ध है। Which place? अयोध्या। There is war and just war in this world. कैसी दुनिया का राजा था? He was a king of what kind of a world? जिस दुनिया में कोई किसी से युद्ध नहीं करता था। The world where no one fought with each other. आ माने नहीं, युद्ध माने युद्ध, लड़ाई। A means no, योध्या means युद्ध, वॉर, फाइट। जिस दुनिया में कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था, ऐसी दुनिया का राजा था। He was the king of such a place where no one fought with one another. नाम क्या था? सत्य हरिश्चंद्र। What was his name? सत्य हरिश्चंद्र। माना सत्यवादी था। It means he was truthful. सत्यवादी। सत्यवादी माने? What does सत्यवादी mean? वादी माने सुनाने वाला, बताने वाला। वादी means the narrator, the one who narrates. क्या सुनाने वाला? सत्यवाद। The one who narrates what? The true topic. तो सत्यवाद मनुष्य सुनाते हैं या भगवान आकर के सुनाता है?
Do human beings narrate true topics or does God come and narrate them? शिव बाबा आकर के इस दुनिया में सत्य बात सुनाते हैं. God comes and narrates. शिव बाबा comes and narrates true topics in this world. लेकिन जो सत्य बात शिव बाबा सुनाता है वो तो अकेला हो गया. But the true topics that शिव बाबा narrates, he is alone. बाकी तो ये दुनिया झूठों की है या सच्चों की है? Does rest of the world consist of false people or true people? सारी दुनिया झूठों की है. The whole world consists of false people. तो सारी दुनिया बगलों की है, झूठों की है. उस झूठों की दुनिया में 100% शिव बाबा की बातों को ज्यों का त्यों सुनाने वाला कौन हुआ? The entire world is of herons, false people. In that world of false people, who narrates Shiv Baba's topics absolutely as they are? उसका नाम क्या पड़ा? सत्यवादी हरिश्चंद्र. What was he named? सत्यवादी हरिश्चंद्र. जो बोलेगा सत्य है, तो कर्म भी सच्चे करेगा या झूठे करेगा? When he speaks the truth, will he perform true actions or false actions? सत्य ही कर्म करता है. He performs just true actions. ऐसे नहीं कि लोन ले ले और बाद में कह दे मैंने नहीं लिया. It is not that he will take a loan and then say, I did not take any loan. आज की झूठी दुनिया में क्या होता है? हैं? What happens in today's false world? लोन ले लेते हैं और फिर बाद में दिवाला निकाल देते हैं, ले मानते ही नहीं. People take loan, then they make others bankrupt and don't accept that they took loan. तो सारी दुनिया झूठों की, 100% सच्चा. The entire world is of false people. One person is 100% true. तो कथा सच्ची होगी या झूठी होगी? So, will the story be true or false? घर-घर में वो नारायण की कथा होती है. That story of Narayan is narrated in every house. कौन सी? सत्यनारायण की कथा. Which story? The story of सत्यनारायण. वो सत्यनारायण और वो सतयुग का राजा हरिश्चंद्र, वो एक ही आत्मा है या अलग अलग आत्मा है? एक ही आत्मा है. That सत्यनारायण and that king हरिश्चंद्र of the golden age, are they one and the same soul or different souls? They are one and the same soul. झूठी कथा नहीं है. ऐसे ही सत्यवान और सावित्री की कथा. It is not a false story. Similar is the story of सत्यवान and सावित्री. वो सत्यवान कहो, सत्य हरिश्चंद्र कहो, सत्यनारायण कहो, एक ही बात है. Call him सत्यवान, सत्य हरिश्चंद्र, सत्यनारायण. It is one and the same thing. वो सत्यवान धंधा क्या करता था? What work did सत्यवान do? है? क्या धंधा करता था? What work did he do? अरे कथा का नाम ही नाम याद रह गया. अरे, did you just remember the story's name? वो सत्यवान लकड़ियाँ काटता था. That सत्यवान used to cut logs of wood. क्या काटता था? What did he cut? लकड़ियाँ, लकड़ बुद्धियों को काटता था. Logs of wood. He used to cut those with a wood-like intellect. ये रुद्रमाला क्या है? है? What is this Rudramala? Meaning, rosary of Rudra. ये लक्कड़ बुद्धियों की माला है. This is a rosary of those with wood-like intellect. बहुत कड़क संस्कार है. They have very tough संस्कार्स. ऐसे कड़क संस्कार वालों को काटता था. He used to cut such ones with tough संस्कार्स. ये उसका धंधा था. This was his business. संस्कार किसी के अच्छे हो या खराब हो. It doesn't matter whether someone has good संस्कार्स or bad संस्कार्स. उन संस्कारों का विरोध किया जाएगा तो जिसका विरोध किया जाएगा उसे दुख होगा या सुख होगा? But if those संस्कार्स are opposed, then the one who was opposed, will he feel happy or sad? है? दुख ही होगा. He will certainly feel sad. तो दुख देने का निमित्त बनता रहा. So he continued to be an instrument to give sorrow. इसलिए धर्मराज उसे लेने के लिए आ गया.
दिस इज वाई धर्मराज मीनिंग गॉड ऑफ डेथ केम टू टेक हिम। मौत के मुंह में जाने लगा। He started entering the jaws of death. तो किसने बचाया? है? Then who saved him? बचाने वाला? वो ही लक्ष्मी खड़ी हुई है। The one who saved him is Lakshmi herself who is standing. Baba is indicating the Lakshmi Narayan picture behind him. Savitri. Itri माने सुगंध वाली। Savitri. इत्री मीन्स द वन विथ फ्रेग्रेंस। कितने प्रकार की सुगंध देने वाली? 100 प्रकार के दिव्य गुणों की सुगंध देने वाली। She emitted how many kinds of fragrance? She emitted 100 kinds of fragrance of divine virtues. उस सावित्री ने उसे बचा लिया, धर्मराज के मुंह में से निकाल लिया। So, Savitri saved him. She brought him out of the mouth of Dharmaraj. तो कथाएं सच्ची है या झूठी है? So, are the stories true or are they false? है? सच्ची है? They are true. और? माता पूछ रही है। माता पूछ रही है। संगम में सारा चरित्र संगम में कृष्ण का है ना? है। वो कृष्ण का संगम में कृष्ण का फोटो घर में रखना है या नहीं रखना? A mother is asking. All the memorials are of the confluence age Krishna, aren't they? So can we keep his photo at home or not? Photo से शरीर देखा जाएगा कि आत्मा देखी जाएगी? है? शरीर देखा जाएगा। Will the body or the soul be seen in the photo? The body will be seen. आत्मा में कितना परिवर्तन आया है? वो दिखाई पड़ेगा, है? Can you see how much transformation has taken place in the soul? तो फोटो रखने से फायदा हुआ? So, is there any benefit in keeping the photo? हाँ, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। Yes, the outer form of a human being is a reflection of his mind. क्या? What? मनुष्य की बाहरी आकृति को देख करके बहुत से विद्वान उनके अंदर की सारी बातें जान लेते हैं। Just by seeing the outer form of people, many scholars know everything in them. मतलब ये हुआ कि अभी जो आकृतियां तैयार हो रही हैं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, वो आकृतियाँ चढ़ती कला की हैं या उतरती कला की हैं? It means that are the forms which are becoming ready now in the confluence age world of Brahmins the forms of ascending stage or descending stage? है? है? चढ़ती कला की हैं? Of the ascending stage. Are they of the ascending stage? अभी चढ़ती कला हो रही है, विकृतियाँ बढ़ रही हैं। या घट रही है? Is it the ascending stage now? Are vices increasing or are they decreasing? अरे नीचे नजर कर ली। To a student, अरे you have put your head down. विकार बढ़ रहे हैं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ब्राह्मणों के, या विकार घट रहे हैं? Are the vices increasing in the Brahmins in the confluence age world of Brahmins or are they decreasing? है? बढ़ रहे हैं। They are increasing. कोई नहीं कहता घट गए। No one says that they are decreasing. तो जब विकृतियां बढ़ रही हैं आत्मा के अंदर, तो चेहरा और आंखों की चमक चमकेगा या चमक कम होती जाएगी? So, when the vices are increasing in the soul, then will there be more glow on the face, in the eyes? और विल द ग्लो गो ऑन डिमिनिशिंग? है? चमक कम होती जाएगी। चमक कम होती जा रही है चेहरे की और आँखों की, देवताओं जैसी चमक तो नहीं दिखाई पड़ती है। द ग्लो ऑन द फेस एंड इन द आईज इज गोइंग ऑन डिमिनिशिंग, द ग्लो लाइक द डीटीज इज नॉट विजिबल। तो अभी वर्तमान समय का
जो कृष्ण का पार्ट कहो नारायण का पार्ट कहो बजाने वाली आत्मा है संगम युग में, अगर किसी ने पहचान लिया है ज्ञान की दृष्टि से, तो उसका फोटो रखने से फायदा है या नुकसान है? सो इन द कॉन्फ्लुएंस एज इफ समवन हैज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द विजन ऑफ नॉलेज द सोल हु प्लेज द रोल ऑफ कृष्ण और नारायण एट प्रेजेंट, then is there benefit or loss in keeping his photo? नुकसान हो जाएगा. There will be a loss. हाँ, जब संपन्न बन जाए उस समय का फोटो सारे संसार में फैलेगा. Yes, when he becomes complete, his photo of that stage will spread in the whole world. यहाँ तक कि भक्ति मार्ग के 2,500 वर्ष के शास्त्रों में भी फैल जाता है. It spreads even in the scriptures of the path of bhakti made 2,500 years ago. और पूछा क्या है? चाणक्य सीरियल में विष्णुगुप्त कांटों को नाश करने हेतु मट्ठा डाल देता है, जिससे थोड़ी देर बाद ढेर सारी चींटियां आती हैं, फिर सारे कांटे नष्ट हो जाते हैं. पूछा क्या है? ये तो सीरियल बहुत लोग देखते हैं. है? पूछने की बात भी तो लिखो. शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले, इसका मतलब क्या है बाबा? बाबा, what is the meaning of शिव का डमरू डमडम बोले अगम निगम के भेद खोले? शिव तो निराकार है, वो तो बोल नहीं सकता. शिव इज सर्टेनली इनकॉर्पोरियल, ही कैन नॉट स्पीक. बोलता है? है? कौन बोलता है फिर? जिसमें प्रवेश करता है वो बोलता है. Does he speak? No. Then who speaks? The one in whom he enters speaks. उसका नाम रखा है डमरू. His name is Damru. A small drum having plain surfaces at both ends. Its narrow middle part can be held in the hand. क्या? डमरू. वो क्या करता है? What? डमरू. What does it do? है? क्या करता है? What does it do? वो दोनों तरफ बोलता है, दोनों तरफ बजता है. It plays on both sides. Rightist में भी और leftist में भी आवाज करता है. It makes sound on the right side as well as the left side. Rightist क्या है और leftist क्या है? What is rightist and what is leftist? Rightist है संगम युग में शिव बाबा की वाणी, शिव बाबा का ज्ञान. शिव बाबा's वाणी, शिव बाबा's knowledge in the confluence age is rightist. और unrightist leftist क्या है? And what is unrightist leftist? भक्ति मार्ग का शास्त्रों का ज्ञान. The knowledge of the scriptures of the path of bhakti. शास्त्रों की जो व्याख्या हुई है वो unrighteous हुई है. The interpretations of the scriptures are unrighteous. तो दोनों को टैली करता है, टैली करके सुनाता है, यह एक तरफ ही सुनाता है. So does he, the corporeal one, tally both the types of knowledge? Does he tally them and then narrate it, or does he narrate only one kind of knowledge? Tally करके सुनाता है. He tallies it and narrates the vani. वो बोलता है तो शास्त्रों को बाबा की वाणी से tally करके संगम युग में बताता है या नहीं बताता है? बताता है.
Does he tally Baba's Vani with the scriptures in the confluent sage and narrate it or not? He does. ये योगिया सेवका डमरू डम डम बोले अगम निगम के वेद खोले. This itself is शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले. और हिंदू लोग गाय को पूज्य मानते हैं. और मुसलमान उसको काटते हैं. मुसलमान लोग सुअर को पूज्य मानते हैं. क्यों? The Hindus consider cow to be worship worthy, whereas the Muslims cut it. The Muslims consider pig to be worship worthy. Why? संगम युग से टैली करो. Tally it with the confluent sage. संगम युग में गाय किसको कहा जाता है? Who is called cow in the confluent sage? जो भारत की कन्याएं माताएं हैं, वो कन्याएं माताएं ऐसी सीधी सादी जिंदगी होती है. अगर भारतीय हैं तो विदेशियों का असर नहीं पड़ा तो. The maidens and mothers of Bharat lead such a simple life if they are Indian, if they don't have foreign influence. ऐसी सीधी सादी जिंदगी होती है कि उनको जिस खूंटे से बांध दिया जाता है वहीं सारी जिंदगी बिता लेती है. They have such a simple life that the peg to which they are tied, they remain tied to it their entire life. इतना सीधा सादा रहती है. They have such simple lifestyle. इसलिए कन्याओं माताओं को गौ के समान माना जाता है. This is why the maidens and mothers are considered to be like a cow. शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण ने गौओं की पालना की. In the scriptures it is shown that Krishna sustained the cows. गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैलपाल कन्हैया नहीं गाया हुआ. गौपाल कन्हैया is famous. बैलपाल कन्हैया is not famous. गौपाल कन्हैया means Krishna, the one who takes care of cows. बैलपाल कन्हैया means Krishna, the one who takes care of bulls. तो वो संगम युग से टैली करने की बात है या नहीं है? So, is it about tallying it with the confluence age or not? टैली करने की बात है. It is. कृष्ण के रूप में जो ब्रह्मा वाली आत्मा है, जो माता का पार्ट बजाती है. The soul of Brahma in the form of Krishna, who plays the part of the mother. Shiva ka Ardhanarishwar part bajati hai. The one who plays the Ardhanarishwar part of Shiv. Ardhanarishwar means form of God, which is half man and half woman. Adhi mata, adha pita. Half mother and half father. Bo mata. कन्याओं माताओं की पालना अभी भी कर रही है कोई न कोई रूप में. That mother is sustaining the maidens and mothers even now in one or the other form. ब्रह्मा की सोल ही तुम बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है. It is the soul of Brahma that enters you children and plays a part. शिव तो सर्वव्यापी नहीं है. Shiva is not omnipresent. ये है. वो तो एक व्यापी. Or is he omnipresent? No. He is present in one being. ब्रह्मा की सोल बच्चों में प्रवेश करती है. The soul of Brahma enters the children. Then? कन्याओं माताओं में तो ब्रह्मा की सोल काम करती. शक्ति का पार्ट बजाती. The soul of Brahma works in the maidens and mothers. It plays the part of the power of tolerance. और पुरुषों में? And what about men? रुद्र गणों में कौन प्रवेश करता है फिर? Who enters the Rudragan? Meaning followers of Rudra.
रुद्राक्ष के मणकों में भी तो कई मुख दिखाए जाते हैं। द बीड्स ऑफ रुद्राक्ष आर ऑल्सो शोन टू हैव मेनी माउथ्स। रुद्राक्ष बेरीज ऑफ रुद्राक्ष ट्री यूज्ड फॉर रोजरीज। मुख लेने की यादगार है वो रुद्राक्ष के मणके। द बीड्स ऑफ रुद्राक्ष आर अ मेमोरियल ऑफ टेकिंग द माउथ। तो उनमें ब्रह्मा नहीं प्रवेश करता क्या? सो डज ब्रह्मा नॉट एंटर देम। कौन प्रवेश करता है? Who enters them? है? जो ब्रह्मा बाबा रौद्र रूप धारण करता है? Someone said something. Does Brahma Baba take on a fearsome form? रुद्र है? Is he रुद्र? ब्रह्मा बाबा को रुद्र कहें? नहीं। Will Brahma Baba be called रुद्र? No. माने शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो ही रुद्र है। It means the one whom Shiv enters in a permanent form himself is Rudra. इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है जिसका फाउंडेशन यज्ञ के आदि में ही पड़ चुका था। This is why it is said Rudra Gyan Yagya, meaning Yagya of the knowledge of Rudra. Its foundation was laid in the very beginning of the Yagya. वही रुद्र शंकर की आत्मा रुद्र गणों में प्रवेश करती है, पार्ट बजाती है। That very soul of Rudra, Shankar, enters the Rudra Gan and plays a part. बात चल रही थी गौओं की। We were speaking about the cows. तो गौओं की पालना कौन करता है? So, who sustains the cows? राम वाली आत्मा करती है या कृष्ण वाली आत्मा करती है? कृष्ण वाली आत्मा करती है। Is it the soul of Ram or the soul of Krishna? It is the soul of Krishna. इसलिए शास्त्रों में क्या दिखाया? है? This is why what is shown in the scriptures? राम को गौएं नहीं दिखाई, कृष्ण को गौएं दिखाई। Ram is not shown to sustain cows. Krishna is shown to sustain cows. तो वो गौएं स्वर्ग का गेट खोलने वाली बताई गई है। So, those cows are said to be the ones who open the gates of heaven. स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? Who will open the gates of heaven? एक है स्वर्ग का गेट खोल के बैठ जाती है, एक है जो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है। There is one group which opens the gate of heaven and there is another group which opens the gate of hell. किसको आप बेबिचारी कहें, किसको बेबिचारी कहें? है? Who will be called pure and who will be called adulterous? जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है वो है बेबिचारी। Those who open the gate of hell are adulterous. और जो स्वर्ग का दरवाजा खोल के बैठती है वो है अव्यभिचारी, स्वर्ग का गेट खोलने वाले। And those who open the gate of heaven are pure. The ones who open the gate of heaven. उन्हीं की पूजा होती है। They themselves are worshipped. पूजा का कनेक्शन किस बात से है? Worship has a connection with what? पवित्रता से। Purity. तो ऐसी कन्याएं माताएं जो अपने जीवन में पवित्र रह करके एक शिव बाबा दूसरा न कोई। So, such maidens and mothers who remain pure in their life and take this pledge, one Shiv Baba and no one else. ऐसा जीवन बिताती हैं, वही स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती हैं। The ones who lead such a life become instruments to open the gate of heaven. उनकी पूजा होती है। They are worshipped. हिंदू लोग ही उनकी पूजा करते हैं। Only the Hindus worship them. मुसलमान लोग माने ब्राह्मणों की दुनिया में जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। The Muslims, it means those who are going to convert to the Muslim religion in the confluence age world of Brahmins. हैं या नहीं? हैं? Are there such ones or not? मुस्लिम धर्म में खुद कन्वर्ट होते हैं और दूसरों को भी कन्वर्ट कराने के निमित्त बनते हैं। They themselves convert to the Muslim religion and also become instruments to convert others. वो मुस्लिम धर्म वाली आत्माएं बीज रूप एडवांस पार्टी में खास
उन गऊओं को काटने का काम करते हैं। Those seed form souls of the Muslim religion, especially in the advanced party, do the work of slaughtering the cows. माना ब्राह्मणों की दुनिया में रहते हुए भी उन गऊओं के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं। It means, despite living in the Brahmin world, they have bad vision towards those cows. उनको बेविचारी बनाते हैं, वैश्या बनाते हैं। They make them adulterous, prostitutes. उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में मुसलमान क्या करते हैं? As a memorial of this, what do the Muslims do in the path of bhakti? उन गऊओं को काटते हैं। They slaughter those cows. और मानते किसको हैं? And whom do they consider worship worthy? है? सुअर को मानते हैं। Pig. माना उन मुसलमानों में जो गाय को काटने वाले हैं। It means among those Muslims, those who slaughter cows. उनको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं वो मुसलमान? Do those Muslims consider them good or bad? है? अच्छा, अच्छा समझते हैं। They consider them to be good. जो ज्यादा गऊओं को काटने वाला उसको गुरु मानते हैं। The one who slaughters more cows is considered to be a guru. जैसे मुसलमानों में आगा खान है। For example, there is Aga Khan among the Muslims. उसकी पूजा हो रही है। He is being worshipped. सुअर के रूप में क्यों देखा? है? Why did they see him in the form of a pig? सुअर क्या करता है? What does a pig do? है? अरे सुअर जो मुंह मारता है वो काहे में मुंह मारता है? अरे व्हाट डज अ पिग ब्राउज इन? कीचड़ में मुंह मारता है। इट ब्राउजेस इन माया। गंध में मुंह मारता है। इट ब्राउजेस इन डर्ट। और कहाँ लौटता है? एंड इन व्हाट डज ही रोल? कीचड़ में ही लौटता है। ही रोल्स ओनली इन माया। ये मुसलमानों की विकारी वृत्ति की यादगार है। दिस इज अ मेमोरियल ऑफ द विशियस एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम्स। कौन सा जानवर? सुअर। Which animal? Pig. वो उसको मानते हैं। So they consider it to be worship worthy. क्या क्या प्रश्न पूछते? After reading a question, what questions they ask? सब्जी में टमाटर डालने से नुकसान क्या है? It has been asked, what is the harm if we add tomatoes to vegetable curry? टमाटर सब्जी के रूप में देखा जाए तो कच्चा टमाटर सब्जी है लेकिन फल नहीं है। If we see tomato as a vegetable, raw tomato is a vegetable but not a fruit. और वही टमाटर जब पक जाता है तो सब्जी है या फल है? पहले क्या है? When the same tomato ripens, is it a vegetable or a fruit? Students said something. What is it at first? फल है। It is a fruit. और वो टमाटर जो फल है उसमें इतने विटामिन्स हैं, इतने मिनरल्स हैं कि वो पकाने से उसके मिनरल्स सारे खत्म हो जाते हैं। And that tomato, which is a fruit, has lots of vitamins and minerals. On being cooked, all its minerals get over. इसलिए पका करके टमाटर खाना उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ जीभ का चटाका है। That is why it is not so good to cook tomatoes and then eat them. This is just for taste that people cook it. कच्चा टमाटर खाना बहुत अच्छा है। It is very good to eat uncooked tomato. बाबा कहते हैं जो मिनी मधुवन में रह करके याद नहीं करते हैं, सेवा भी नहीं करते हैं, उनका जीवन धिक्कार है। बाबा सेज दोस हु लिव इन मिनी मधुबन बट डू नॉट रिमेम्बर शिव बाबा और इवन डू सर्विस देयर लाइफ इज डिसडेनफुल। परंतु बाबा जो बाबा के घर में रहकर सिर्फ याद करते हैं,
सेवा कुछ नहीं करते हैं, उनको क्या कहेंगे? Those who just remember Shiv Baba but don't do any service, staying in Baba's house, what will be said for them? अच्छा अच्छा शंकर जी क्या करते हैं? है? याद करते हैं। What does Shankar ji do? He stays in remembrance. और वो सेवा करते हैं कुछ? हैं? Does he do any service? करते हैं कि नहीं? करते हैं। Does he or does he not? He does. He does. अरे शास्त्रों में और चित्रों में शंकर को क्या दिखाया गया है? अरे इन द स्क्रिप्चर्स एंड इन द पिक्चर्स व्हाट इज शंकर शोन टू बी डूइंग? याद करते दिखाया गया है। He is shown remembering. उनके अंदर सेवा कौन करता है? Who does service in him? है? अरे शंकर के अंदर है या रुद्रगणों के अंदर है, सेवा करने वाले कौन है? अरे Who does service in शंकर और रुद्रगण? बाप दादा। बाप दादा वो तो अति विकारी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर के राजा हैं। द रुद्रगण आर एक्सट्रीमली विशियस सोल्स, दे हैव बीन किंग्स फॉर मेनी बर्थ्स। महाबिचारी वो क्या सेवा करेंगे? दे आर हाईली अडल्ट्रस, व्हाट सर्विस विल दे डू? सेवा तमोप्रधान आत्मा करती है या सतोप्रधान आत्मा करती है? डस तमोप्रधान सोल डू सर्विस और डस सतोप्रधान सोल डू सर्विस? सतोप्रधान आत्मा सेवा करती है, तो सारी सेवा तो शिव बाबा करते हैं। अ सतोप्रधान सोल डस सर्विस, सो शिव बाबा डस द एंटायर सर्विस। शंकर क्या करता है? व्हाट डस शंकर डू? बाबा तो कहते कुछ भी नहीं। बाबा सेज नथिंग। शंकर कुछ करता है? डस शंकर डू एनीथिंग? अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? अरे डस डूइंग अ वर्क टेक प्लेस थ्रू द कर्मेंद्रिया, मीनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस, और डस इट टेक प्लेस विदाउट द कर्मेंद्रिया? है कर्मेंद्रियों से करना धरना होता, और शंकर को तो चित्रों में भी दिखाया जाता कुछ करता देता नहीं। डूइंग सम वर्क टेक्स प्लेस थ्रू द कर्मेंद्रिया एंड फॉर शंकर इट इज शोन इवन इन पिक्चर्स दैट ही डज नथिंग। बस याद में बैठा हुआ है। He is just sitting in remembrance. अब याद कोई कर्मेंद्रियों से करना धरना कुछ काम धंधा है क्या? Now, is sitting in remembrance any work to be performed through the कर्मेंद्रिय? ये तो कोई काम धंधा नहीं हुआ। This is no work. लेकिन वाइब्रेशन काहे से परिवर्तन होगा? But how will the vibrations be reformed? है? जो भाषणबाजी करते हैं उससे वाइब्रेशन चेंज होगा? विल द वाइब्रेशंस चेंज थ्रू गिविंग लेक्चर्स? जो ज्ञान सुनाते हैं भाषणबाजी करते हैं उससे दुनिया का वायुमंडल चेंज हो जाएगा? विल द एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड चेंज थ्रू द नॉलेज दैट पीपल नरेट द लेक्चर्स दे गिव? हो जाएगा? नहीं होगा। विल इट चेंज? इट वोंट। ज्ञान सुन करके आदमी का दिमाग बदल सकता है। After listening to the knowledge, the intellect of a person can change. वो भी जो ज्ञान सुना है वो दूसरों को सुनाता रहे तो अपना ज्ञान बढ़ता रहे। If someone keeps narrating the knowledge that he has heard to others, his knowledge will continue to increase. ज्ञान के बढ़ने से, ज्ञान को सुनने सुनाने से परिवर्तन होगा या जीवन में धारण करने से परिवर्तन होगा? Will the transformation take place through the increase in knowledge, through listening and narrating the knowledge, or will transformation take place by assimilating it in the life? धारण करने से परिवर्तन होगा। असली परिवर्तन काय से होता है? Transformation will take place by assimilating it. Through what does the true transformation take place? है? याद से परिवर्तन होता है। Transformation takes place through remembrance. तो जो याद है, वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। So, remembrance is the principal subject.
ऐसे नहीं है कि कर्मेंद्रियों से को काम धाम ज्यादा करता है. इट इज नॉट दैट इफ समवन डज मोर वर्क थ्रू द कर्मेंद्रिया तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे. He will not get marks. सेवा के नंबर तो मिलेंगे. He will certainly get the marks for doing service. जितनी वाचा के नंबर हैं, भाषण करने वाले के जितने नंबर हैं, कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ करके सेवा करने वाले के भी उतने ही नंबर हैं. The one who runs about and does service through the कर्मेंद्रिया also obtains the same marks as the marks obtained for speech, as the marks obtained by the one who gives lectures. लेकिन याद के नंबर सबसे ज्यादा है. But there are the highest marks for remembrance. इसलिए कहा सेवा में पास. This is why it was said, if someone passes in service, भाग दौड़ की सेवा या वाचा की सेवा में, in the service through running around or the service through speech, ज्ञान सुनने सुनाने में पास, ज्ञान में पास, if someone passes in listening and narrating the knowledge, if he passes in knowledge, धारणा में पास, if someone passes in assimilating divine virtues, लेकिन अगर याद में फेल है तो क्या कहा जाएगा? फेल. But fails in remembrance, then what will be said? Fail. और याद में पास तो पास. But if someone passes in remembrance, he has passed. इसलिए याद को साधारण सब्जेक्ट नहीं समझना. This is why don't consider remembrance to be an ordinary subject. उसमें भी अमृत वेले की याद तो बहुत महत्व रखती है. Even in that, the remembrance at Amrit Vela, early morning hours, holds very great importance. अब यहाँ बात बताइए, पूछिए कि जो सेवा करते या सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ याद करते हैं, उनको क्या कहेंगे? Now, here it has been asked about those who don't do service but just remember Shiv Baba. What will they be called? योगी कहेंगे? They will be called योगी. सिर्फ सेवा करते हैं, मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस नहीं करते. If someone does just service, he does not practice to concentrate his mind. तो अंत में उनकी सेवा काम आएगी? है? Then will his service come in use in the end? नहीं काम आएगी. It will not come in use. इसलिए याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखें तो ज्यादा अच्छा है. This is why it is better if there is a balance of remembrance as well as service. अकबर और शाहजहां ने अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं की? Why didn't Akbar and Shahjahan have their daughters married? Akbar और Shahjahan, उनका भारत के अंदर क्या स्टेटस था? What status did Akbar and Shahjahan have in Bharat? Akbar and Shahjahan, name of two Mughal emperors. सबसे नीचा स्टेटस था या सबसे ऊंचा स्टेटस था? भारत के अंदर. Did they have the lowest status or the highest status in Bharat? है? भारत के अंदर जितने भी रहने वाले लोग थे, उनके बीच में सबसे ऊंची पदवी थी या नीची पदवी थी? Did they have the highest position among all the residents of Bharat or the lowest position? सबसे ऊंची पदवी. They had the highest position. और अपनी बहन और बेटियां अपने से ऊंचे परिवार में दी जाती हैं या नीचे परिवार में दी जाती हैं? And do you offer your sister or daughter in marriage to a family which is higher or lower in position when compared to your family? है? इज्जत है. Women are the honor of a family. बेटी और बहन क्या है? What are daughters and sisters? हैं? इज्जत समझी जाती है. They are considered to be the honor of family. इसलिए
वो सम्राट थे भारत के. दिस इज वाई दे वर एम्परर्स ऑफ भारत. उनको ये अहंकार आया कि हम तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं. दे हैड दिस ईगो वी आर द एम्परर्स ऑफ हिंदुस्तान. हिंदुस्तान के बाहर जो छोटे मोटे देश हैं, वो तो छोटे मोटे राजाए हैं. एंड द स्मॉल कंट्रीज अराउंड हिंदुस्तान हैव स्मॉल किंग्स. हम सारे हिंदुस्तान के सम्राट. वी आर द एम्परर्स ऑफ द एंटायर हिंदुस्तान. इसलिए उन्होंने अपनी बेटियां किसी को नहीं दी. दिस इज वाई दे डिड नॉट गिव देयर डॉटर्स इन मैरिज टू एनीवन. घर में ही सारा जीवन रखा. दे केप्ट देम एट होम देयर एंटायर लाइफ. और कुछ है कोई के पास मसाला? ओम शांति. डज एनीवन हैव एनी मोर मसाला? मीनिंग क्वेश्चंस. ओम शांति.